अब ये यकीनी तौर पर मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि आज जो मुलाकात होने जा रही थी वो मुलाकात भी मनसूख हुई, हुकूमती कमेटी ने इनकार किया और उसके बाद तालिबान कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें भी एक तरह से एहतजाज भी किया गया, अफसोस भी किया गया कि हुकूमती कमेटी ने, यह दूसरी बार हुआ है कि तालिबान की नामजद कमेटी से मुलाकात से इनकार कर दिया है। जाहिर है हुकूमती कमेटी के पास भी क्या ऑप्शन होती। हुकूमती कमेटी के कोऑर्डिनेटर इरफान सिद्दीकी और रुकन मेजर आमिर ने आज वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हंगामी मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ ने ये जो आज वाकया सामने आया है इस पर अपना इजहार ख्याल किया और मियां नवाज शरीफ का यह कहना था कि 23 अहलकारों के कत्ल को वो काबिल मजम्मत समझते हैं। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने नेकनीयती से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मुजाकरात का अमल शुरू किया लेकिन जब भी मुजाकरात हौसला अफजा मोड़ पर पहुंचे उन्हें सबोताज किया गया। पाकिस्तान ऐसी खूनरेजी का मुतहम्मिल हरगिज नहीं हो सकता। आज तालिबान कमेटी की जानिब से जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया और जाहिर है हुकूमती कमेटी ने जब इनकार किया तो उस पर तालिबान कमेटी के एलामिये में कहा गया कि बार बार कमेटी के इजलास तय हुए लेकिन हुकूमती कमेटी नहीं आई। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला हो रहा है। इसके साथ साथ मौलाना यूसुफ शाह का यह कहना था कि ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होते, खुद को हुकूमती कमेटी से अलग भी नहीं समझते। अमन के लिए दोनों कमेटियों को काम करना होगा। हमें हुकूमती कमेटी ने तालिबान करार देकर मिलने से इनकार किया। मौलाना यूसुफ शाह ने एक बार फिर इस ख्वाहिश का और इस मुतालबे का इजहार किया कि वो मुख्तदर हलकों से बराह रास्त राबता चाहते हैं ताकि जो बादल छाए हुए हैं मुजाकरात के माहौल पर वो छट सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब इन मुजाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ये मामला अब खटाई में पड़ने जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने। सेनेटर साहिबा आपको खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना साहब के तर्जुमान जनाब जान मोहम्मद अचकजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। कुछ ही देर में हमें और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे लेकिन गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सेनेटर रुबीना साहिबा, आपको लग रहा है कि ये मामला तब खटाई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुश्किल मरहला तो है ये? देखिये, मामला जो थे ना वो पहले दिन से सही सम तो थे ही नहीं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब आप किसी बंदे से बात करते हैं या किसी को जज करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उसके तरीकेकार को देखते हैं, उसकी बातचीत के तरीके को देखते हैं। तो पहले दिन से ही वो जो सीरियसनेस थी वो डायलॉग की वो यहां पर जो थी वो पाई नहीं गई इस पूरे प्रोसेस के दौरान। और सबसे बड़ा अलमिया जो हुआ कि जो कि इस पीस टॉक्स के जो सबसे बड़े प्रोमोटर्स थे, जो सबसे बड़े कहते थे कि इलेक्शन का स्लोगन ही जिनका ये था कि पीस जो है वो मुमकिन ही नहीं है जब तक कि इनके साथ बात की जाए, वो बड़े कन्वीनियंटली कहते हैं ना कि वो एट द लास्ट मोमेंट निकल गए उसमें से और बिल्कुल एक ऐसी चीज छोड़ गए जिसका न सर था न पैर था। लेकिन उसके साथ साथ चले जो भी था, अच्छी कमेटियां थी या बुरी थी, एक सिलसिला चल रहा था। लेकिन जहां तक देखें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती ऑन जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है या जो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उस पे देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। हमने उस पे भी कुछ हद तक हम गए, काफी हद तक गए जो हमें नहीं जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम उस हद तक भी गए लेकिन वहां से ईंट का मतलब वो कहते ना कि आपने फूल भेजे वहां से पत्थर आए। और जो आज का वाकया हुआ है उसके बाद तो आई डोंट नो के, और मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ का बहुत अच्छा और ऐसा इकदाम था कि देखें इनाफ़ जनाफ अगर हुकूमत पाकिस्तान बात कर रही है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान बात कर रही है, एक ऐसी हुकूमत बात कर रही है जिसमें मतलब उसकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से है, उसके अलावा हम एक एटमी कुवत भी है। मतलब अगर इस तरह का नॉन सीरियस एटीट्यूड हमारी जैसी ताकतवर फौज को तो मैं कहूंगी और जो है उसमें पूरी सलाहियत है हर तरह के जंग करने की, हर तरह की प्रोटेक्शन अपने मुल्क को देने की, अगर उनकी उस कैपेबिलिटी पे क्वेश्चंस किए जाएंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे लीडर्स ने भी किए, चले वो तो कर ही रहे थे लेकिन जब लीडरशिप की तरफ से इस किस्म की बातें आती है तो ये ऐसा है जैसे कि आप कहते हैं ना कि वो घर का भेदी लंका ढाए, या जैसे होता है कि आपकी पीठ से किसी के खंजर से वार करते हैं किसी की पीठ के ऊपर। तो ये सब चीजें मतलब जो इकट्ठी हो गई है और इस पॉइंट पे आ गए मेरे ख्याल में कि हमें अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने
कौन सी डायरेक्शन लेनी है, इनफ इज इनफ। और जो है ये आपने वाकयात गिनाए कि पीस प्रोसेस के थ्रू आउट जितने भी वाकयात हुए हैं उसमें आप एक पिशावर का शायद वाकया भूल गए हैं जिसकी भी जिम्मेदारी इन्होंने कबूल की, और ये सब वाकयात जो हैं थ्रू आउट द पीस टॉक्स हुए हैं और इनकी तरफ से हुए हैं, और सबसे बड़ी जो बात है कि धड़ल्ले से फिर एक्सेप्ट भी किए गए हैं। ठीक है जान साहब, शायद यही वजह थी कि मौलाना साहब ने अपने आप को इस तमाम अमल से दूर रखा कि उनको भी इस किस्म के कुछ खदशात लाहक थे। नहीं, खदशात तो खैर सब लोगों को हो सकते हैं, लेकिन जो बाजोड़ में हुआ, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब अपनी पार्टी के कायद की तरफ से इस वाकये की भरपूर मजम्मत करता हूं और तमाम खानदानों के साथ दिली इजहार ताजियत करता हूं जिन्होंने अपने प्यारे जो है खो दिए हैं। मसला ये है कि आज हम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं ये बहुत बड़ा सेटबैक है। जो हुकूमती कोशिशें हो रही है और तालिबान के हवाले से जो कोशिशें हो रही है, दोनों तरफ से मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने वाले थे कि शायद सीज फायर हो, लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमती कमेटी की कमजोरी है कि इन्हें पहले दिन से सीज फायर के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, तो फिर ऐसे वाकयात ना होते या एटलीस्ट इसका सदवाब के लिए कोई मैकेनिज्म बना पाते। अब जंग तो है, बदकिस्मती से वाकयात हो रहे हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही है। अब ऐसे वाकयात में कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि क्या कौन क्या कर रहा है, लेकिन इनको तो टॉक शो से तो फुर्सत ही नहीं है, और इनको तो आज होना चाहिए था शवाल में, वजीरिस्तान में, किसी गार में होना चाहिए था, और मुज़ाकरात के जो सब डिटेल्स हैं उन पे जो है तवज्जो फोकस करनी चाहिए। तो अब अगर इस तरह और वाकयात होते हैं तो इसका मतलब है कि जो वाकयात हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, बहुत पेनफुल वाकयात हैं, लेकिन आज भी ये सवाल हमारे सामने है कि क्या हम कयाम अमन के लिए जो कोशिशें उसको किस तरह बावर करवा सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे। बहुत ही दिल खराश वाकया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि अच्छा होता कि इन कमेटियों में फाटा के आवाम की अगर आज शिरकत होती तो कम से कम वो दोनों पार्टियों को कह सकते थे कि ये वाकया या ये वाकया जो है वो कायम अमन की तरफ हमें नहीं लीड करेंगे, और कोई अकाउंटेबिलिटी और चेक और प्रेशर का कोई एक मैकेनिज्म भी बन जाता, क्योंकि जो सिर्फ फाटा के लोग आईडीपीज बनने के लिए तो नहीं है वहां पर, ना ये कि वो किसी मुमकिन ऑपरेशन में जो है मुतासिर हों, बल्कि उनका रोल ये है कि वो ऑन करे इस पूरे प्रोसेस को। अगर आज तालिबान खिलाफ वर्जी करते तो उनको कह सकते कि ये वाकई आपने बुरा किया, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब एक तरफ हुकूमती कमेटी है और दूसरी तरफ एक और कमेटी है जो कोशिश कर रही है, लेकिन मकसद ये कि कबायली आवाम की जो नुमाइंदगी है वो शायद उनमें नहीं है, इन दो कमेटियां तो आपस में बात कर रही हैं। जी, जो ये बात कर रहे हैं इसमें इनकी बात को मैं एक नेगेट करना चाहूंगी कि अभी आपकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन आप लोग इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं बने? पहले तो अवाम को और कौम को ये क्लियर करें कि आप और इमरान खान साहब, आपकी दोनों पार्टियों ने जो है यही बहुत ज्यादा इलेक्शंस के और सबको मतलब सबब यही ठहराया कि सब मसलों का हल जो यही है कि ये किया जाए, लेकिन जब वक्त आया तो कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जब करने का वक्त आया तो फिर वो देखा कि मैदान में फिर कोई भी नहीं था, मैदान खाली छोड़ दिया गया। और देखें, इस किस्म के बयान जब दिए जाएंगे, हम किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो हमारे फौजी हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, हमारी हिफाजत के लिए लड़ते हैं। अब ये बताएं कि इस किस्म के बयान अगर टीवी पे आके दिए जाएंगे, उनकी शहादतों के ऊपर, उनकी जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाए जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि कल को कौन सी मां अपने बेटे को फौज में या पुलिस में भेजना चाहेगी? कौन सी मां होगी जो कि कुर्बानी इतनी बड़ी दे के फिर उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाए, उसी को कंट्रोवर्शियल बना लिया जाए, फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाए जाए? तो मेरे हिसाब से हुकूमत को ये इकदाम भी करने चाहिए कि इस किस्म की जो बातें हैं इसके ऊपर पाबंदी लगानी। वही लोग जो कि मतलब इतनी हिम्मत नहीं रखते, छोटे बच्चों को, छोटे यंग बच्चों को अंदर छोड़ के खुद भाग जाते हैं, वही आके आजकल प्रोमोटर्स बने हुए हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये जो है हम कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? और ये कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल सवाल खत्म हो जाना चाहिए। आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से रुकन कौमी असेंबली बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ने, आपको बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जान साहब, सेनेटर साहिबा ने दो सवाल उठाए।
आप क्यों नहीं बने इस मुज़ाकरात की? पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात की हम जिस तरह पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब हिमायत कर रहे हैं, हम आज भी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म के हवाले से हमें तहफ़ुज़ात थे। हमने कहा कि कबायली आवाम को जो है इस मैकेनिज्म में डालना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की यह सवाबदीद है, अगर वो समझते हैं कि यह मैकेनिज्म बेहतर है, उन्होंने ये फैसला करना है और उन्होंने किया यह फैसला और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो भी कोऑपरेशन उनको हमें अगर दरकार हुई आज या कल, हम तैयार है उसके लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी का, रोबीना मेरी बहन है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी वो ये सब दरिंदे इनके साथ मुज़ाकरात ना करें। उधर पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कह रही है कि नहीं जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और आज तक ये तैयार नहीं है। जो कौमी फैसला उन्होंने एपीसी में किया है उसको विड्रॉ करें कि जी हम इस फैसले को नहीं मानते, ये लोग दरिंदे बन गए। तो या तो बिलावल भुट्टो साहब सही है या खुर्शीद शाह साहब, मुझे ये पॉलिसी समझ में नहीं आई। दूसरी बात यह कि आज जिस मसले से हम निमट रहे हैं और ये चैलेंज हमारे सामने, ये पीपल्स पार्टी की लेगेसी है। अब इन्होंने 5 साल इनके पास पावर थे, इनके पास तमाम वो थी, लेकिन टेररिज्म के हवाले से मसला आज हल नहीं हुआ। बेशक इन्होंने ऑपरेशन किए सवात में और कई इलाकों में, लेकिन क्या उसे दहशतगर्दी खत्म हो गई? इससे और ज्यादा फैल गई और हम आज ये उधर ही पहुंचे। आज ये फिर मुज़ाकरात ऑपरेशन की बात करें, भाई ऑपरेशन तो हो गए। अब अगर ऑपरेशन से मसला हल हो जाता तो आज हम ये लाशें ना उठाते। तो मैं समझता हूं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एक हिस्ट्री है और मेरे ख्याल में उस हवाले से मैं तो उनको पास मार्क्स नहीं दे सकता। और जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि वो तो कन्फ्यूज सियासतदान है, उन्हें वो तो कोशिश करते हैं लिबरल को भी अपनी पार्टी में शामिल करें और जो राइट विंग्स हैं उनको भी अपनी पार्टी में। तो कमी जो पिशावर जाते हैं उनका बयान एक होता है, लाहौर जाते हैं उनका बयान दूसरा होता है। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि फेयर नहीं है। आपके सवालात का मैं जवाब दे दूं, सबसे बड़ी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे काबिले कदर चेयरमैन साहब, उनका विजन बहुत क्लियर है, टोटली क्लियर है। मेरे ख्याल में जितना विजन क्लियर एक पाकिस्तानी का हो सकता है वो उनका है, क्योंकि वो हमारी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के फर्जंद हैं और जितनी बड़ी कुर्बानी उस खानदान ने दी है इस मुल्क के लिए, शायद किसी और पार्टी ने या किसी रहनुमा ने या कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद और इतने खतरात का उसको सामना करते हुए जब हमारे लीडर ये बयान देते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है उनमें हिम्मत है, जवानमर्दी है और एक जोश है वो, क्योंकि और इस वक्त इसको कौम की जरूरत है, कौम को यकजा होने की जरूरत है, एक पेज पे लाने की जरूरत है। और जहां रही आपकी बात हमारे लीडर ऑफ जो अपोजिशन है खुर्शीद शाह साहब, तो ठीक है, हमने तो कहा है कि जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, अगर हो सकती है बात, लेकिन नताइज का इल्म हमें है, हमारे लीडर का विजन है, नताइज का इल्म उनको है, वो नताइज की बात कर रहे हैं कि नतीजा क्या निकला वो आपने आज देख लिया है। लेकिन खुर्शीद साहब तो नेचुरली हम एक प्रोसेस जो है पॉलिटिकल उसको लेके चलेंगे, गवर्नमेंट को जहां भी सपोर्ट की जरूरत होगी हमारा, क्योंकि हमने इस मुल्क को चलाना है, हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में हम पार्टीज में डिवाइडेड हैं, तो वो खुर्शीद शाह साहब का आप बयान उस नजर से जरूर दे सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो जो है उनका विजन जो है वो फ्यूचर का विजन है एंड वो उन्होंने साबित कर दिया कि वो विजन ठीक है। चलें ठीक है, मोहसिन साहब मामला बड़ा मुश्किल हो गया है ये जो आज वाकया हुआ है इसके बाद, और आज वजीर आजम साहब ने भी इसकी बड़ी मजम्मत की है इस वाकये की जो हुआ है जो कुछ। यकीनन जी बहुत अफसोसनाक वाकया है, हमारे जितने भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार थे, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और मैं समझता हूं इससे जितने भी और हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, जो हमारी कमेटी है उसके जो एस एस सिद्दीकी साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ रही है कि जितने भी ये जो ये खास तौर पे जो ये वाला हमला था इससे बहुत सीरियस धचका लगा है। देखिए हमने शुरू में जब ये प्रोसेस शुरू किया था तो उसमें तमाम सियासी जमातों ने बैठ के एग्री किया था, एपीसी हुई थी और हमने नेक नीति से एक इस गिव पीस अ चांस वाली जो एक हमारा स्लोगन था इसको लेके हुकूमत भी और तमाम पार्टीज जो थी सब इसको लेके आगे चले थे और उन्होंने कहा था कि एक दफा इनसे मुज़ाकरात करके देखें। और जब भी मुज़ाकरात के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा वाकया होता रहा जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात डीरेल हो गए, जहां पर जिस तरह अब ये देखिए कि ये वाकया हो गया, बिल्कुल अफसोसनाक है और मजम्मत भी हम करते हैं और हम अपनी फोर्सेज के साथ भी हैं, हम उनके इस दुख में शरीक भी हैं उनके साथ। और इंशाल्लाह ताला अब आप इसके ऊपर जो बेहतर, क्योंकि इस पर स्टेटमेंट जो है कमेटी के मेंबर्स ही दे सकेंगे कल की मीटिंग के बाद, जब उन्होंने कल एक मीटिंग आज कैंसिल हो गई है और कल की मीटिंग में अब वो फाइनल अगली जो पॉलिसी लाइन है कि हुकूमत की पॉलिसी लाइन अब इस हवाले से कि मुज़ाकरात को किस तरह लेके चलना है नहीं लेके चलना, वो उसके बारे में अब कल एक पॉलिसी स्टेटमेंट कमेटी ही देगी।
अच्छा, दूसरी बात यह है, जहां पे बिलावल भुट्टो साहब की भी स्टेटमेंट की बात हो रही है, उसमें एक सियासी जमात की हमेशा से खूबसूरती यही होती है कि यूनिफॉर्मिटी हो तमाम स्टेटमेंट्स में। अगर मैं बात कुछ कर रहा हूं और मेरी लीडरशिप बात कुछ कर रही है, इससे एक कन्फ्यूजन फैल जाती है, हाउस में भी कन्फ्यूजन होती है। हम खुद हाउस में बैठे हुए जब ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट आती है, बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए, देखिए हम तो खुद इनके मतलब वी आर थैंकफुल पीपल्स पार्टी के भी कि ये हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने हमें सपोर्ट भी करते हैं, इश्यूज पे हमारे साथ चलते भी हैं। लेकिन जो ये कन्फ्यूजन होती है बयानात से, इससे हाउस में भी कन्फ्यूजन आ जाती है और इसमें पार्टी की जो अपने रैंक्स है उसमें भी कन्फ्यूजन आ जाती है। तो एक जो खूबसूरत पॉलिटिकल पार्टी की जो यूनिफॉर्मिटी है वो शो तब भी होती है कि स्टेटमेंट्स जो है ऊपर से लेके नीचे तक एक ही सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोसनाक वाकया है जी, इसमें हम सब मजम्मत करते हैं बिल्कुल। जी सेनेटर साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि इन्होंने वही बात की, लेकिन मैंने अपना वक्फ जो है वो पहले ही बिल्कुल क्लियर कर दिया। असल में रोज जो वाकयात हो रहे हैं, शायद इस वजह से भी बिलावल भुट्टो साहब का आ जाता है। किसी को तो आंख में आंख डाल के बात करनी है ना। अगर जिस तरीके से हम चल पड़े थे और जिस तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे थे, जिस तरीके से हम देखें, हम नवाज लीग जो है इतने डिलेड एक्शन करती है, इतने डिलेड डिसीजंस लेती है, जिस तरह के एपीसी के बाद सितंबर की एपीसी हुई, अभी हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मार्च, अभी तक इसका कोई, अभी जाके कोई कुछ दिन पहले इन्होंने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से करना है। दूसरा ये कितनी बड़ी गलती की कि इमरान खान के प्रेशर में आके उनकी मुलाकात जनरल कियानी से जो हुई, और देखें वो जो मतलब इस तरह के प्रेशर्स में आ जाना कि जी मैं नहीं बैठूंगा तो ये कर ले, तो उस तरह नहीं करूंगा तो इस तरह कर ले, आपने देखा कि वो इतनी सी जो बात जो एक स्टेट सीक्रेट है, जो कि लीडर जो होते हैं वो कौम के अमीन होते हैं, और जो राज लीडरों के साथ शेयर किए जाते हैं वो राज वो अपने साथ रखते हैं। इस तरह नहीं आते कि टीवी पे आके अपनी चीप पॉपुलैरिटी फॉर अ फ्यू मिनट्स फेम आके आप अपनी गलत बयानी किस्म करके आप अपनी अफवाज पाकिस्तान को ही कॉन्ट्रोवर्शियल कर देते हैं, उनकी सलाहियतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरह के डिसीजन जो है उसमें क्लियर हेडेडनेस आपकी पार्टी की नहीं है। आप जो है किसी भी प्रेशर के अंडर आके आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, नॉट ऑन नेशनल इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से उनको ये मुलाकात करवानी नहीं चाहिए। कल को तो इमरान खान साहब आपको डिमांड कर लेंगे कि जी मुझे न्यूक्लियर एसेट्स बता दे कहां कहां पड़े। मुलाकात गलती थी या उनका बयान देना गलती है? इमरान खान दोनों गलत, अपना बयान देना गलती है। और कई ऐसी चीजें होती हैं कि सियासी जमातें, अब ये जो ऑपरेशन था इससे पहले अभी ये चीजें मीडिया के सामने भी, और ये जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी ये सारी मीडिया के साथ भी शेयर की गई। जब ये मुज़ाकरात जो निसार साहब इसको स्प्रेड कर रहे थे, उस वक्त जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी कि जिस तरह से वो ड्रोन हमले के बाद जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, हकीमुल्ला मसूद वाला जो एपिसोड हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी, क्योंकि वो हमारे पास एक कौम की अमानत थी वो इन्फॉर्मेशन, और उसको कौम के साथ तभी शेयर किया जाए। लेकिन उसमें अब ये इमरान खान साहब की अपनी है, उनकी एक पॉलिटिकल सफर उनका उतना नहीं है जितना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का है, तो वो भी वक्त के साथ साथ अब देखें जिस तरह से उनसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, इस तरह के कई राज हैं जी, कई ऐसी बातें हैं जो हम समझते हैं कि अगर हम उनको डिस्क्लोज करेंगे तो वो कबल अज वक्त डिस्क्लोज हो जाएंगी और से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो भी खराब हो सकती है। देखिए ना, और ये इन्फॉर्मेशन जो है अब जिस तरह भी ये कह रही है, मैं तो इनकी बात पर थोड़ा सा हैरान भी हूं कि इनकी स्टेटमेंट्स में बिल्कुल एक प्रॉब्लम यहां पे भी आ रही कि जरदारी साहब जब गए मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे थर में प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने के लिए, तो वहां पर भी जरदारी साहब ने ये बात की कि मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी मेरी पार्टी एक ही स्टेटमेंट देगी और बिलावल साहब भी आपसे स्टेटमेंट नहीं देंगे। देखिए तो आप जो अब फिर टोटल दो इश्यूज को कंफ्यूज कर रहे हैं ना, वो मैं आपको अब हमारा ये वक्त है कि आपको ये चीज़ सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी में खुर्शीद शाह साहब को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में कुछ बात कर रहे हैं, वो हाउस में कुछ बात कर रहे हैं, आपने यही करना है जो मैंने कहना है। ये तो फिर मेरी भगत हो गई ना, पार्टी के नुमाइंदे तो है खुर्शीद शाह साहब जी, जरूर आप उनको मैंडेट नजर आ रही है, तो बात ही नहीं हो रही ना, ठीक है आप बात हो ना, आप या तो खुर्शीद शाह साहब को कहें कि वो बात करें। नहीं, शाह साहब जो बात कर रहे हैं वो मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, वो ये कह रहे हैं कि जो भी आप एक्शन लेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, और हमारे जो चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं वो ये आपको बता रहे हैं कि क्या है दीवार पे लिखा हुआ, वो पढ़ लें, जो कि आप पढ़ने को तैयार नहीं है क्योंकि आप लोग खौफजदा
है, आप लोग डरते हैं, आप लोगों में करेज नहीं है। करेज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। अगर मेरी अगर आप नहीं समझते कि शायद एक जमात को भी अपना एक तशख्खुस भी रखना है। देखिए आप सॉरी आपको बात करें, मुझे इस बात को कंप्लीट करने दें कि आपने जो बात की इमरान खान की स्टेटमेंट की, इमरान खान की स्टेटमेंट में आई आप लोग दो दिन खामोश रहे। दो दिन तक आपकी पार्टी ये आपकी लीडरशिप की आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कोई आपकी क्लियरेंस नहीं दी कि उनकी बात गलत है या झूठ है। ये जो है हमने आके फिर जब फ्लोर ऑफ द हाउस में सेनेट में डिस्कशन किया तो फिर दो दिन के बाद आप मुझे बताएं कि 24 आवर्स या 48 आवर्स के कितना ज्यादा डैमेज वो कर चुकी होगी स्टेटमेंट जबकि आप जवाब लेकर आए। ये प्लीज ये डिलेड रिस्पॉन्स छोड़ दें, एक्ट प्रॉम्प्टली। जो इस वक्त मुल्क जो है मुतहमल नहीं हो सकता आपकी ये जो लेट बैक पॉलिसी है कि सोचेंगे और देखेंगे। यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट ऑन द डॉट एंड गिव एन आंसर्स टू द नेशन एंड रेडी आंसर्स। वो आपकी बिल्कुल बात सही है, आपकी जो जिस तरीके से आपने बात की है, आप अपने पार्लियामेंट में जो आपकी लीडर ऑफ द हाउस है नहीं, आपने बात क्लियर नहीं की। अगर मेरी लीडरशिप एक बात करती है आप ऑपरेशन करेंगे हम आपके साथ हैं, आप टॉक्स करेंगे हम आपके साथ, क्योंकि हुकूमत आप कम अज कम एक मेच्योर लेवल की स्टेटमेंट्स को सामने लाए, क्योंकि ये एक नाजुक मसला है और पूरे मुल्क कौम की नजरें इस पे लगी हुई हैं। तो जो एक स्टेटमेंट इस तरह की आती है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है। चलें इसमें अब एक ब्रेक का वक्त भी आ रहा है और एक ताजा तरीन खबर भी आपको दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर राबता किया है। क्या बातचीत हुई है ये हम आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। ये ताजा खबर है जो हम आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। मौलाना साहब के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बातचीत हुई है बताएंगे एक ब्रेक के बाद और इस गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक ताजा तरीन खबर भी आपको दे रहे हैं कि अफगान सदर हामिद करजई का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर राबता हुआ है। क्या बातचीत हुई है? जान अचकजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या बातचीत हुई है? अफगान सदर हामिद करजई साहब ने अपने फोन में मौलाना साहब को अपडेट किया, बिलखसूस नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो अभी अंकारा गए थे, इस प्रोसेस के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान क्या बातचीत हुई। फिर आज दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जहां खड़े हैं इस हवाले से भी बातचीत हुई। करजई साहब ने यह भी कहा कि किस तरह पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान के मसालियात में बहुत अहम है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम के लिए लाजिमी है कि वहां पर तमाम अफगानों के दरमियान जो मसालियात की कोशिशें हैं वो जारी रहें, और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, बिलखसूस सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात हैं दोनों ममालिक एक दूसरे के, इस हवाले से जो है जो काम इस वक्त जारी है या वर्क हो रहा है उस पर एक खुशाइंद बात है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो काफी कम हो गया है, बिलखसूस नवाज शरीफ की ऑल नेबर्स पॉलिसी के बाद जो है अफगानिस्तान के साथ काबुल हुकूमत के साथ दोतरफा मामलात में काफी जो है पेशरफ्त हुई। लेकिन दोनों रहनुमाओं ने इस बात पे इतफाक भी किया कि इस खिते में अमन जो है वो इस पूरे खिते के इस्तेकाम के लिए लाजमी है और इसके लिए एक रीजनल कोशिश भी करनी चाहिए और दोतरफा मामलात में दोनों ममालिक को भी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि जो रिकाउंसिलिएशन की कोशिशें दोनों तरफ से बॉर्डर के हो रही है, दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इतफाक किया कि ये जारी रहने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो लड़ाई और झगड़े हैं इसे अपने इन रीजन को निकाल सकें। दो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी मामला 2014 में एक विड्रॉल का जो अमल है वो शुरू होगा और एंड तक वो मुकम्मल होगा, विड्रॉल का अमल जाहिर है, वो बेस कैंप्स तो अपने रखेंगे, वहां पर भी सूरत हाल ऐसी है, यहां पर भी सूरत हाल ऐसी है। ये क्या दोनों प्रोसेसेस आपस में मिले हुए हैं या क्या है? क्योंकि जब तक वहां अमन नहीं आएगा यहां भी अमन नहीं आएगा। देखिए उनका तो ये है कि वेरी क्लियर हेडेड और वहां पे इस तरह की वो जो है ना जुमा बाजार भी नहीं लगा हुआ पॉलिटिकल पार्टीज का जो हमने लगाया है यहां पर, और हर किसी की अपनी एक बोली है, हर किसी का अपना एक माइंडसेट है, इतना डिवाइडेड हमने अपनी कौम को व्यूज को कर दिया है। और डेली आके मुझे अयाज अमीर साहब का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने कहा कि स्पेशली विद रेफरेंस टू पीटीआई के सुबह उठ के उनका काम ही होता है कि कौम को उन्होंने कन्फ्यूजन का टीका एक लगाना होता है, तो इतना कन्फ्यूजन हमने क्रिएट किया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो अपना जो है अपना लोगों के जहन जो है वो क्लियर करने हैं और अपने जहन भी क्लियर करने, पहले तो अपने जब क्लियर होंगे फिर हम लोगों के जहन क्लियर करेंगे, और एक लाहे अमल करना है। और सब पार्टीज को इस वक्त जरूरत है कि वो अपनी ये जो, क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला होगा
तो हमारी सियासत भी होगी, हमारी पार्टियां भी होंगी, हमारा सब कुछ होगा। तो इस वक्त ये वक्त है, मुल्क को जरूरत है हम सब की, पार्टियों की, और अबव पार्टी लाइन्स वी शुड ऑल राइज, ज्वाइन हैंड्स, और जो भी हमारा ये प्रॉब्लम है उसको करें, क्योंकि मसला जो है ना, जब घर वाले हल नहीं करना चाहते तो बाहर से लोग आके उसको हल नहीं कर सकते, और बाहर से अगर आते भी हैं तो वो मजीद कन्फ्यूजन क्रिएट करके जाते हैं। तो दिस इज मेरे ख्याल में हमें अफगानिस्तान को देखते हुए उनसे कुछ सबक सीख लेना चाहिए। आई थिंक दे आर मोर क्लियर हेडेड और हेडेड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन देन वी आर। हम क्लियर नहीं है, जैसे कि ब्रेक से पहले भी सेनेटर साहिबा यही फरमा रही थी कि आप लोगों का बाजों का रिएक्शन जो होता है, रद्द अमल, वो बड़ा स्लो होता है, डिलेड होता है। देखिए ये कि जब अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक फोरम बन गया, उसमें तमाम पार्टीज जो है जिनके पास मैंडेट है, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारी तो नेक नीति पहले दिन से ये रही है कि हमने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के इशू के ऊपर या टेररिज्म के इशू से रिलेटेड हमने कोई सियासत नहीं करनी, और हर एक बंदे को, हर पार्टी को हमने मौका दिया कि वो आए और अपनी राय का इजहार करें, और हमने उनकी राय को उनको काबिल एहतराम तरीके से हमने उनको जिस हद तक हम उसको कर सकते थे हमने उसकी राय को नजरअंदाज भी नहीं किया इस सारे प्रोसेस के बीच में। अब वो इमरान खान साहब जो हैं, वैसे अगर जिस तरह से ये पहली दफा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ड्रोन हमले के बाद ये सारा प्रोसेस डीरेल हो गया, जब दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो अगर इसके बीच में इमरान खान साहब जिस तरीके से इसमें पहले दिन से इन्वॉल्व थे, एक कन्फ्यूजन है उनके पार्ट के ऊपर कि वो पता नहीं अभी तक क्लैरिटी उधर भी नहीं काफी हद तक आ रही कि वो चाहते क्या है, और वो जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं या जिस तरीके से उन्होंने हाउस में भी कहा, तो हमने ये कहा कि ठीक है अगर खान साहब समझते हैं, क्योंकि केपीके के हालात जो हैं और केपीके हालात जरा मुख्तलिफ हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, वहां पे ये सारी जंग लड़ी जा रही है, तो हो सकता है वो इस मामले में अगर हम उनको एक चांस दें तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और कोई कारकर्दगी भी दिखा सकें, लेकिन उन्होंने इस सारे प्रोसेस में से जो एक बैकफुट पे आ गए, एक वहां पे भी धचका लगा। और जहां क्लैरिटी हमारी तरफ बिल्कुल है, हम तो बहुत क्लियर हैं। देखें जी, जब इससे पहले जब ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से पहले गवर्नमेंट जो थी टारगेटेड ऑपरेशन, और तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने भी एक मैंडेट दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम बड़े क्लियर थे कि ये ऑपरेशन की तरफ चलें, क्योंकि हम अपने फोर्सेस का, अपने मासूम शहरियों का कत्लेआम इस तरीके से अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम पर भी पब्लिक का प्रेशर था, हमारी पीएमएलएन की बड़ी क्लैरिटी थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि वो ऐवान को भी लीड कर रहे हैं, वहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलना चाह रहे थे, तो उन्होंने दोबारा एक इमरान खान साहब के कहने के ऊपर और कुछ बाकी पार्टीज के कहने के ऊपर एक दफा फिर इस प्रोसेस को दोबारा से पुश किया और ये दोबारा नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। लेकिन इसमें हमारी क्लैरिटी बड़ी क्लियर है, लेकिन पीटीआई, आज पीटीआई के यहां पर अगर कोई होते तो वो जवाब देते कि पीटीआई की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल नहीं है। अब केपीके में आप देखें हर जगह पे जहां पे तालिबान या इस तरह के जो लोग हैं जो बाहर से आके हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोकल प्रोविंशियल जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो बड़ा कामयाब ऑपरेशन करती हैं। पंजाब में भी ये सूरत हाल है, अब केपी सिंध में भी ये सूरत हाल नजर आ रही है कि कराची में भी ये ऑपरेशन होते हैं जहां पर उनको पता लगता है कि हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगे हैं या फोर्सेज को निशाना बनाने लगे हैं, जहां पर इन्फॉर्मेशन आती है तो ये एक बड़ी पूरी फोर्स के साथ, एक विल के साथ हमारी फोर्सेज रिएक्ट करती हैं। केपीके में ये चीज भी नजर नहीं आ रही। अच्छा चलें, मैं आपका पॉइंट लेता हूं, लेकिन हमें सिराजुल हक साहब ने, सीनियर वजीर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सिराजुल हक साहब, आपको खुशामदेद कहते हैं। ये जो आज की सूरत हाल है ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और पैनल में से जाहिर है इमरान खान साहब की ये मुजाकरात से अलाइदगी या उनका शामिल ना होना, उस पर भी सवालात उठाए गए। ये जो आज वाकया हुआ है इससे तो मामलात खटाई में नहीं पड़ जाएंगे आपके ख्याल में? सर, ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि 1000 से ज्यादा स्पीड ब्रेकर तो मौजूद है, लेकिन अमन के खातिर कोशिशें करना हमारा हक है और हमारे ऊपर ये फर्ज है, और दोनों जानबें से तो पूरी कौम का और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले हर फर्द का यही मुतालबा है कार्रवाई बंद हो और एतमाद को डेवलप किया जाए। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती है कि कुछ कार्रवाइयां ऐसे हैं जिनसे अंडरस्टैंडिंग में मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, लेकिन दोनों कमेटियों को हम अब भी यही तजवीज दे रहे हैं कि मायूस होने के बजाय वो अब भी अपने कोशिशों को जारी रखे, इसलिए कि अमन के खातिर जंग करना जरूरी नहीं है, अमन के खातिर मुजाकिरात जारी रखना जरूरी है।
सिंपल और सादा मसला नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों के मफादात भी इन्वॉल्व है। बहुत सारे लादियां काम कर रही हैं, हर तरफ पर मुख्तलिफ इदारे और लोग भी असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन दोनों कमेटियों के हवाले से हमारी तजवीज यही है कि इसमें इमोशनल होने के बजाय, जज्बाती होने के बजाय, तहम्मुल और ठंडे दिल और दिमाग के साथ इस सफर को जारी रखना चाहिए। रियासत और हुकूमत उसका अपना एक खुदी और एक अना और एक स्टेटस जरूर है, और तंजीम का जो या एक जमात का जो नुक्ता नजर है वो बहुत ज्यादा महदूद होता है, लेकिन बहरहाल जो जितना बड़ा है उसको इतना ही बड़े गर्व का मुजाहरा करना होगा। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे रुबीना साहब? उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी कि जो जितना बड़ा है तो वही उतने जब्त का मुजाहरा करे। इसका मतलब है कि इन्होंने जो जंगबंदी की ख्वाहिश जाहिर की है वो हुकूमत पाकिस्तान को ही अपील कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ। दूसरी तरफ इनका कोई इरादा नहीं है कि वहां से कोई फायरबंदी या जंगबंदी की जाए, दिस इज वेरी क्लियर। और ये जो कुछ ये प्रमोट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में अभी पिछले दिनों में, परसों 14 फेब पे जो कुछ पेशावर यूनिवर्सिटी में हुआ, क्या इन्होंने इनसे पूछे कि इन्होंने क्या उन तंजीमों के खिलाफ जो कि इनकी स्टूडेंट तंजीमें हैं उनके खिलाफ क्या इकदाम किया, जो कि मनाजिर हमने टीवी पे देखे और जो हमने पूरे पाकिस्तान में लोग पुरअमन तरीके से अच्छे तरीके से, हमने तो लड़ाई तो हम बाद में लड़ेंगे ना, जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो लड़ाई पेशावर यूनिवर्सिटी की उसके ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर की गई, जो वहां पे आगे लगाई गई, जो वहां पे फायरिंग की गई, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने वहां तो जंगबंदी आप कर नहीं सकते, आप हुकूमत से कह रहे हैं कि बड़ा दिल कर ले, अब आप उसका जवाब दें कि जो ये परसों का वाकया है, व्हाट एक्शन हैज द केपीके गवर्नमेंट टेकन अगेंस्ट? जी सिराजुल हक साहब, आप साथ हैं। जी जी बिल्कुल, देखें मैडम ने जो सवाल उठाया है उस पर जवाब देना वाजिब है। कल जो आदमी जख्मी हुआ है वो इस्लामी जमीयत तलबा का रुकन है। और आग किसने लगाई थी कमरों को ये भी मुझे बताया ना जी, आप मेरी बात सुन ले, वो पोजीशन होल्डर है, दोनों हाथ उनके जख्मी हैं, अनबिड है। होना तो ये चाहिए था कि जनाब वो हमारे पार्टी का एक कारकुन जख्मी है तो हम बिल्कुल आग बगोला हो जाते, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इंतजामिया से कहा है कि वो हक इंसाफ मेरिट और अदल की बुनियाद पर फैसले कर ले और जिसने जितना जुर्म किया है उतना ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और हम जो उस बच्चे के हलपुरसी के लिए गए हैं, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारे हैं और इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप पर्सनल हो जाते वो आपकी मर्जी, लेकिन ये जो इशू है मुजाकिरात को कामयाब बनाने का, जी हां, वो मैंने कोई पर्सनल बात कैसे दूर किया जाएगा, इसमें तो सवाल ये है कि मैं ब्रेक भी आ रही है ना, ब्रेक भी आ रही है तो वो उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाएगा। मैं सिराजुल हक साहब के पॉइंट ले लूं फिर ब्रेक की तरफ जाना है। जी सिराज साहब, ये कहना चाहता हूं कि हम दोनों जानिबों से अपील करते हैं कि वो जंग बंद कर ले, कार्रवाइयां बंद कर ले, एक दूसरे से इंतकाम लेना बंद कर ले और मुजाकिरात को कामयाब होने के लिए इकदाम कर ले। हम तालिबान से भी अपील करते हैं, हम सरकार से भी अपील करते हैं, इसलिए कि अगर दोनों तरफ एक्शन हो तो ये मकासद फिर हासिल नहीं हो सकते। और ये सिर्फ मेरा मुतालिबा नहीं है, कौम के हर फर्द का ये मुतालिबा है और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले फर्द का ये मुतालिबा है। और मेरा भी ये ख्याल है कि अंदरूनी और बिरूनी बहुत सारे लाबिया ऐसे मौजूद है जो इस मुजाकिरात को सबूताज करने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन गैर तालिबान में भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी उस बड़े तंजीम से वाबस्त है, कुछ आजाद है, दूसरी तरफ भी बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे साथ यही एक चॉइस है, ये मुजाकिरात कामयाब हो, इसके लिए तालिबान से भी हमने अपील की है, हुकूमत से भी हम अपील कर रहे हैं कि अपनी कार्रवाइयां बंद कर लें ताकि कौम को अमन की खुशखबरी मिल सके। चले ठीक है, मैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। एक बात मुझे जरूर करनी है ब्रेक कि अफवाज पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है तालिबान का मुकाबला करना, लेकिन जो उनकी बहुत बड़ी लॉबी हमारे अंदर पैदा हो गई है, अब उनके साथ कैसे निपटा जाए ये चलें। ये ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू में बढ़ाते हैं। और जान अचकजई साहब, आपको चूंकि जाना है तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محسن صاحب، سراج الحق صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دونوں اطراف مذاکرات کے مخالفین موجود ہیں اور وہ اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بہتر اس وقت یہی ہے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ دیکھیے، اس میں جہاں تک کہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ مذاکرات شروع ہوئے دوسرے فیز میں، جب یہ کمیٹی بنی تو اس وقت ایک انفارمیشن تھی جو ہر بندے سے یہ شیئر کی جا رہی تھی، ہر سٹیک ہولڈر سے، کہ جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے یہ نمائندگی کر رہی ہے تمام سپلنٹر گروپس کی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر 10 لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں تو باقی جو 40 ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہیں۔ یہاں پہ یہ تاثر دیا گیا تھا گورنمنٹ کو کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے تو یہ تمام کے تمام، کیونکہ وہ کوئی 20 کا گروپ ہے، کوئی 50 کا گروپ ہے، کوئی 100 کا گروپ ہے، تو وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور اگر ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اگر ایک گروپ کوئی چیز کمٹ کرتا ہے تو باقی گروپ جو ہیں وہ اس بات پہ پابند رہیں گے، تو یہ امپریشن دیا گیا۔ پھر بعد میں ابھی انہوں نے بات یہ کی کہ جی کچھ ہوا یہ اس طرح ہے کہ کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو کہ ہمارے بات نہیں سنتے اور اپنی طرح سے آپریٹ کر جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپریشن جو ہے طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اب کسی قسم کی بامبنگ یا کوئی اس طرح کا دہشت گردی کا حملہ نہیں کریں گے فورسز پہ یا عام عوام پہ نہیں کریں گے۔ قصہ خانی بازار کا ایشو ہوا، اس کے بعد چرچ والا ایشو ہوا، وہاں پہ انہوں نے ڈس آن کیا، لیکن جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی وہ یہ آ گئی کہ وہاں پہ، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، مولانا یوسف شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے جو طالبان کمیٹی کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ نے تفصیلی پریس بریفنگ تو کر لی ہے اور آپ نے افسوس کا اظہار کیا کہ حکومتی کمیٹی نے ملاقات نہیں کی آپ سے، لیکن کل یا پرسوں آپ کو توقع ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی اور دوبارہ سے یہ مذاکرات کا جو عمل ہے یہ آگے بڑھے گا؟ ہم تو آج بھی اس پر زور لگا رہے تھے کہ ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے، ہمیں اب تو بیٹھنا فرض ہو گیا ہے، اگر اس طرح ہم ٹیچر ہٹ جائیں تو سارا کام ہمارا خراب ہو جائے گا۔ ہم بالکل اعلان کرنے والے تھے اور جس جو ہمارا مقصد تھا چیز پہ اسی کو ہم فون گئے تھے کہ بات سامنے آ گیا، تو ہم نے آج ہی کمیٹی پر بڑا زور لگایا کہ وہ پیچھے نہ دے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابھی ہماری یہی گزارش اور اپیل ہے ان سے کہ وہ اس پر سوچیں اور ضرور ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ کو توقع ہے کہ حکومتی کمیٹی کے جانب سے آپ کو مثبت جواب دیا جائے گا، اور اگر اس طرح سے آپ کی بات چیت نہیں ہوتی یا رابطہ نہیں ہوتا تو یہ مزید صورتحال کو کس قدر خراب کر سکتا ہے؟ بالکل، ہم نے ان سے یہی گزارش کی کہ وہ ڈیڈ لاک پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، ہم تو دکے سالس بھی خیر ہیں اور ہم تو وہ بھی اس طرح رابطہ کار کمیٹی ہے اور ہماری بھی کمیٹی ایسے ہی ہے، تو ہم نے یہی ان سے کہا کہ ہمیں ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے اور ضرور اس کام کو آگے چلانا چاہیے۔ طالبان سے بھی آپ نے رابطہ یا اپیل کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اب ذمہ داری محمد ایجنسی کی تحریک نے قبول کر لی ہے اور یقینی طور پر یہ تو ایک مشکل صورتحال ہے، حکومت کے لیے بھی ظاہر ہے یہ ایک مشکل مرحلہ تو ہے معاملات کو آگے بڑھانا اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس وقت سے رابطے شروع کیے جس وقت سے ہمیں معلوم ہوا ہے، تو کچھ ٹیلی فون کا سسٹم بھی وہ خراب ہے اور ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا براہ راست بڑوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں اور ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ فوری طور پر معلوم کر لیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ بالکل ہم مذاکرات کے اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں بھی محمد لیجنسی کے لوگ بھی اسی علی سورا اور سیاسی سورا میں بیٹھے ہیں، ٹی ٹی پی ممن کے بھی لوگ موجود ہیں وہاں۔ ٹھیک ہے جی، برسو صاحب آپ جی بات کر رہا تھا کہ جس طرح سے جو باقی گروپس ہیں، اب وہاں پہ قصہ خانی بازار اور چرچ والا واقعہ ہوا، اس میں بھی انہوں نے ڈس آن کیا، لیکن بعد میں انٹیلیجنس رپورٹس آ گئی کہ جی واقعی یہ جو دھماکہ تھا یہ طالبان نے کیا ہے، انہوں نے بعد میں ایکسپٹ کیا، شروع میں وہ ڈس آن کرتے رہے، اس کے بعد کراچی میں انسیڈنٹس ہوئے اس پہ بھی وہ ڈس آن کرتے رہے، اب کراچی میں انہوں نے ہماری فورسز پہ یہ کہا ہے کہ جی فورسز نے ان کے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا ہے، اس طرح کیا ہے، فورسز نے ان کے موقف کو انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بلیم گیم ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، اب پبلک کا پریشر جو ہے، اب ہم ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بھی ایوان میں، ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ جب ایوان جاتے ہیں اور ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام اب ہم سے سوال کرتی ہے،
अब हम इस पीस प्रोसेस को तमाम सूबों को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सूबों में जहां पे बिलखसूस केपीके के इस तरह के हालात थे कि वहां पे समझा जाए कि अगर इस सूबे की बेहतरी के लिए अगर एक चांस दे दिया जाए, हो सकता है ये तहरीक इंसाफ जो जिस तरह पुश कर रही है वाकई ये किसी बेहतर नतीजे पे हम पहुंच सकें। लेकिन अब जिस तरह से ये धमाके हो रहे हैं, ये तालिबान को, इन लोगों को अब समझना पड़ेगा कि पब्लिक जो है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो अब बहुत ज्यादा इस चीज से नफरत कर गई है, इन लोगों के ऐसे इकदाम से नफरत कर गई है। क्योंकि चलें, ऐसे लोग जो मासूम शहरी हैं वो ड्रोन हमलों में तो मुलवस नहीं है ना, स्कूलों के बच्चे ड्रोन हमलों में मुलवस नहीं है, पोलियो वर्कर्स ड्रोन हमलों में मुलवस नहीं है। और मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं कि केपीके की जो गवर्नमेंट है, अब वहां पर अब बात करना मुनासिब नहीं क्योंकि उनके यहां पर कोई नुमाइंदे मौजूद नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं रहे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर वो अपना लोकल लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर कर लें प्रोविंशियल लेवल पे, जिस तरह अभी कराची में बेहतर हो रहा है, रेंजर्स इन्वॉल्व में लोकली तौर पे कुछ बेहतर कर ले, तो ऐसी कई वाकयात में कमी आ सकती है। पंजाब में भी हो रहा है, पंजाब में भी गवर्नेंस है, अगर सिंध में भी हालात बेहतर हो रहे हैं, पंजाब हो रहे हैं, कराची में भी। लास्ट पॉइंट, इस वक्त जो मसला है ना वो किसी सूबे का नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। और मेरा ताल्लुक खुद भी खैबर पख्तूनख्वा से है, हम काफी अरसे से ये जंग लड़ते आए हैं और इस वक्त भी फ्रंट लाइन जो प्रोविंस है हम है, लेकिन इस वक्त पूरा मुल्क जो है ना वो खतरे की लपेट में है। एक सूबे की रिस्पांसिबिलिटी आप नहीं कर सकते, मतलब फेडरेशन को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एंड जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब, वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, सिर्फ पंजाब के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो ही हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड शोल्डर द रिस्पांसिबिलिटी फॉर खैबर पख्तूनख्वा। हम तो करने के लिए तैयार है, जिस तरह आपकी गवर्नमेंट जो सिंध में है, उन्होंने हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने सुबह तक नहीं रहेगी, ये जब फैलेगी तो पूरे मुल्क को अपने लपेट में। चीफ मिनिस्टर साहब ने जब हमें कहा कि जी हमें आप असिस्टेंस प्रोवाइड करें, तो फेडरल उनको रेंजर्स की शक्ल में फोर्सेज इंटेलिजेंस की हमें असिस्टेंस प्रोवाइड किया। अब केपीके में अगर हमें ये कहें कि आप हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करें, नॉट वेट फॉर इट, एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। नेशनल सिक्योरिटी इशू तो है, लेकिन अब तो गिला करते हैं, कहते हैं आप हमें लिफ्ट नहीं कराते। हम उनके साथ बैठ के, बल्कि जब उनके चीफ मिनिस्टर साहब भी आए तो हमने उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर से हट के उनके साथ डेवलपमेंट आपसे एक अपील है कि आप जो है साथ चलने के लिए सिर्फ पंजाब के वजीर आजम न बने, आप जो है पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बन के सोच रहे हैं। वजीर आजम भी हैं और हम जिस तरह हम मानते हैं जी, हम पूरे पाकिस्तान और हम चाहते हैं कि ही शुड एक्ट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम है और ही इज वेरी मच एक्टिव, हमें कबूल है जी, बिल्कुल सही है। लेकिन वहां पर यह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, अब मेरी बहन है मोहतरमा, इनको समझ हो गए कि आईन कानून भी कोई चीज होता है, कानून में अगर लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है, नॉट इन नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर। अभी इसमें हमने जब नेशनल प्रोटेक्शन जो वो तहफ़ुज़े पाकिस्तान का कानून और बिल हमने पेश किया, वो इसी मकसद के लिए पेश किया गया था कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सके जहां पर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो। तो बिल्कुल हमारी इंटेंशन में या हमारी नेक नीति में या प्राइम मिनिस्टर साहब की नेक नीति में चले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर रूबीना खालिद साहब आपका और जनाब मोहसिन शाहनवाज साहब आपका, मौलाना यूसुफ शाह साहब आपने भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आप बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस दौरान जब ये प्रोग्राम ऑन एयर था तो कराची में दो वाकयात हुए हैं। कराची में दो टीवी चैनल्स जो निजी टीवी चैनल्स हैं, वक्त न्यूज और आज टीवी पर क्रैकर हमले किए गए हैं जो यकीनन काबिल मजम्मत हैं, और वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने इन वाकयात का नोटिस ले लिया है। प्रोग्राम इनकार से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।